बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं गुलाम मोहम्मद अदर बात कर रहा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नहीं रहा है। दोस्तों, आज हम आपको लाए हैं अपने मकई के प्लाट में। ये मकई जो है ये काश्त है 4 फरवरी की, आज 14 मार्च हो चुकी है। तो इसको जो पिछले 2 पानी हमने लगाए हैं उनमें हमने इसको एक दफ़ा DAP की एक गोली डाली थी जब ये 2 पत्तों पर थी। उसके बाद एक दफ़ा फिर हमने इसको आधी यूरिया और साथ में 1 किलो सल्फर डाला था और अब ये तकरीबन 4th पानी है इसका। तो इसको अब हमने इस वक्त 1 गोली यूरिया स्टार्ट कर दी है। आप इसके पौधे की कंडीशन देख सकते हैं, इसको हमने 1 गोली यूरिया डाली है और अब इसके बाद थ्रू आउट हम हर पानी पे इसको 1 बोरी यूरिया डालते जाएंगे। और साथ में जो हमने पानी लगाया है, इस पानी में हमने इसको 4 लीटर जो है ह्यूमिक एसिड वो इसको डाला है, वो आप साथ में उसका पैक जो है वो आप साथ में देख सकते हैं। तो उसमें 10% ह्यूमिक एसिड होता है और 4% पोटाश है। ये निगेबान कंपनी की प्रोडक्ट है, बाकी और भी कंपनियाँ हैं वो भी कुछ कंपनियाँ पोटाश की मिकदार ज़्यादा देती हैं और कुछ की जो पोटाश की मिकदार है वो कम होती है। तो आप भी कोशिश करें, मकई का पौधा जिस स्टेज पर है इस स्टेज पर आप इसको 1 बोरी यूरिया स्टार्ट कर दें और साथ में कोशिश करें कि ह्यूमिक एसिड भी डाल दें। ह्यूमिक एसिड क्या करता है? ह्यूमिक एसिड असल में आपकी जो ज़मीन है उसको भुरभुरा करता है, ज़मीन को नरम करता है, पौधे को बढ़ोतरी में आसानी होती है। उसको जब नरम ज़मीन मिलती है, ज़मीन के अंदर से उसको हवा मिलती है, तो पौधा बहुत अच्छे तरीके से बढ़ोतरी करता है। जिस स्टेज पर हमारी मकई पहुंच चुकी है इस पर अब इसके पौधे को हमने बढ़ोतरी करवानी है, तो जिसके लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन इस मौके पर मकई के पौधे को आपने देनी है और साथ में ह्यूमिक एसिड देना है ताकि ज़मीन नरम हो जाए और पौधे की जो जड़ है वो ज़मीन में आसानी से ग्रो कर जाए। तो इसलिए मेरा काश्तकार भाइयों आपको यही इल्तमास है कि आप इस स्टेज के ऊपर यूरिया की 1 बोरी शुरू कर दें और साथ में ह्यूमिक एसिड डाल दें, क्योंकि ह्यूमिक एसिड के अंदर सल्फर भी होता है और साथ में पोटाश भी होती है जो कि फसल की ज़रूरियात को पूरा करती है और आपकी जो फसल है वो अच्छे तरीके से बढ़ोतरी करती है। अल्लाह ताला हर किसी के रिज़्क़ में बरकत डाले और अल्लाह ताला आपका हमीर नासिर।